फ्रेंड्स वेलकम टू एएनसी नर्सिंग क्लासेस। तो आज इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन होता क्या है? जब एक पर्सन के अंदर प्रोटीन का लेवल और एनर्जी का लेवल या तो नॉर्मल लेवल से कम होता है या नॉर्मल लेवल से अधिक होता है तो उसे बोला जाता है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। समझते हैं इसकी डेफिनेशन। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन एक डिसऑर्डर का ग्रुप होता है जिसके अंदर मेरास्मस और क्वासिकोर को इंक्लूड किया जाता है। तो इसमें क्या है, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन एक डिसऑर्डर का ग्रुप होता है जिसके अंदर मेरास्मस और क्वासिकोर को इंक्लूड किया जाता है। पढ़ते हैं मेरास्मस। मेरास्मस वर्ड ग्रीक वर्ड के मेरास्मोस से लिया गया है जिसका मीन्स होता है वेस्ट। मेरास्मस एक ग्रीक वर्ड है जो मेरास्मोस से लिया गया है जिसका मतलब क्या होता है, वेस्ट करना। इसमें क्या होगा, जो एनर्जी है वो वेस्ट होती है। मेरास्मस कैलोरी एंड प्रोटीन के इनएडिक्वेट इनटेक से होता है। जब हम प्रॉपर अमाउंट में कैलोरी और प्रोटीन नहीं ले पाते हैं तो उससे होता है मेरास्मस। ये है मेरास्मस वाले बच्चों की पिक्चर्स। अब पढ़ते हैं क्वासिकोर। क्वासिकोर क्या होता है? क्वासिकोर मीन्स सिकनेस ऑफ वेनिंग। क्वासिकोर प्रोटीन के इनएडिक्वेट इनटेक से होता है। इसमें पेशेंट के अंदर एडिमा देखने को मिलता है। इसमें क्या होगा, पेशेंट के अंदर प्रोटीन की कमी होगी और पेशेंट के अंदर एडिमा देखने को मिलता है। इसमें पेशेंट की बैली कैसी होगी, पॉट लाइक स्ट्रक्चर होगी। वेट फॉर एज, पेशेंट का वेट कैसे निकालते हैं। वेट ऑफ द चाइल्ड, चाइल्ड का वेट होगा। वेट ऑफ नॉर्मल चाइल्ड एंड सेम एज, एक पेशेंट होगा जो माल न्यूट्रिशन वाला है और एक नॉर्मल बेबी होगा और इनटू करते हैं 100। अब समझते हैं इसकी एटियोलॉजी, कॉजेस क्या हैं। माल न्यूट्रिशन इनएडिक्वेट इनटेक ऑफ फूड, अगर हम फूड का इनटेक प्रॉपर अमाउंट में नहीं करते हैं तो माल न्यूट्रिशन होता है। इमैच्योर इम्यून सिस्टम, अगर पेशेंट का इमैच्योर इम्यून सिस्टम है तो उससे भी माल न्यूट्रिशन होता है। इकोनॉमिक एंड कल्चरल फैक्टर, इकोनॉमिक अगर इकोनॉमिक कंडीशन पुअर है और कल्चरल फैक्टर ये होता है आपका खान पीने के ऊपर, आप वेज खाते हैं नॉन वेज खाते हैं वेजिटेरियन हैं जैसे भी। HIV, जो लोग HIV वाले होते हैं उनको भी माल न्यूट्रिशन होता है। और गैस्ट्रो इंटेस्टाइन इन्फेक्शन, जो पेशेंट गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन वाले होते हैं, डायरिया, वोमिटिंग, एनोरेक्सिया, एनोरेक्सिया का मतलब होता है लॉस ऑफ एपेटाइटिस, भूख ना लगना। पेरिस्टाल्टिक एब्जॉर्प्शन, अगर पेरिस्टाल्टिक एब्जॉर्प्शन है, एब्जॉर्प्शन ठीक से नहीं हो पाता है तो भी प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन होता है। क्लिनिकल फीचर्स, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन और सिम्टम एंड साइन, ये सभी एक ही चीज़ है, साइन एंड सिम्टम या क्लिनिकल फीचर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। इसमें कौन कौन से सिम्टम हैं जो पेशेंट के अंदर देखने को मिलते हैं, अब देखते हैं मेरास्मस के अंदर कौन कौन से सिम्टम होंगे जो देखने को मिलेंगे। सीवियर मसल्स वेस्टिंग, लॉस ऑफ सबक्यूटेनियस फैट, इसमें सीवियर मसल्स वेस्टिंग होगा और सबक्यूटेनियस टिशू है वो भी आपको कम देखने को मिलेंगे, उनका भी लॉस होगा। ग्रोथ रिटार्डेशन होगी, ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो पाएगी। रिंकल्ड स्किन होगी, स्किन के अंदर सरवटें दिखाई देंगी, रिंकल्ड। स्किन अपीयर ड्राई, स्किन जो होगी वो ड्राई दिखाई देगी। हेयर अपीयर डल ब्राउन, हेयर जो होंगे वो शाइनी नहीं होंगे, डल होंगे, ब्राउन होंगे। एब्डोमन डिस्टेंडेड, जो आपका एब्डोमन है वो नॉर्मल ना होकर डिस्टेंड हो जाएगा। मिड आर्म सरकमफेरेंस इज रिड्यूस, जो आपकी मिड आर्म है वहाँ का सरफेस सरकमफेरेंस है वो कम हो जाएगा। इमेसिएशन, इमेसिएशन देखने को मिलेगा। लॉस ऑफ एपेटाइटिस, लो पल्स, जो आपकी पल्स रेट होगी वो भी
कम होगी, लो रिड्यूस होगी, क्वासिकोर। क्वासिकोर के अंदर कौन कौन से साइन एंड सिम्टम देखने को मिलते हैं? फेलियर टू ट्राइव, जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा, ये रिटार्डेशन की तरफ दिखाई देता है। एडिमा देखने को मिलेगा, मून सेफ होगा, जो आपका बैली है वो पॉट लाइक दिखाई देगा, जो आपका पेट है वो एकदम मटके की तरह। मसल्स वेस्टिंग होगा, मसल्स वेस्ट होगी, नेल पैलेट थिन, जो आपके नेल्स हैं वो पतले दिखाई देंगे। स्किन ड्राई होगी, लॉस ऑफ एपेटाइटिस, आपको भूख नहीं लगेगी। डर्मेटाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ स्किन, डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन। अब देखते हैं पेशेंट को डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या इन्वेस्टिगेशन होंगे। हेल्थ हिस्ट्री लेंगे पेशेंट की, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, बॉडी मास इंडेक्स, पेशेंट का बॉडी मास इंडेक्स निकालेंगे, ब्लड कल्चर, प्रोटीन टेस्ट कराएंगे, सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स और यूरिन एनालिसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ये आपको सभी टेस्ट कराने होंगे। अब देखते हैं मैनेजमेंट पेशेंट का कैसे कैसे कर सकते हैं। माल न्यूट्रिशन का मैनेजमेंट प्रिंसिपल बेस होता है, जो माल न्यूट्रिशन का मैनेजमेंट है वो प्रिंसिपल पर बेस होता है। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन की सीवियरिटी को न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी पर देखा जा सकता है, जो PEM है या प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन की सीवियरिटी है उसे न्यूट्रिशनल पैटर्न पर देखा जा सकता है। ट्रीटमेंट को केयरफुली प्रमोट करें, जो आप ट्रीटमेंट करेंगे उसको केयरफुली प्रमोट करना है। फूड इनटेक को प्रमोट करना, जिससे हॉस्पिटल स्टे को रिड्यूस किया जा सके, जो आपका खान पीना है उसको प्रमोट करना है और जिससे आप हॉस्पिटल में कम से कम टाइम रह सकते हैं। माल न्यूट्रिशन के लिए एपिडेमियोलॉजिकल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उन्हें प्रिवेंट करें, जो एपिडेमियोलॉजिकल फैक्टर हैं उनको प्रिवेंट करना है। हाइपोग्लाइसीमिया क्या होता है? हाइपोग्लाइसीमिया के कारण चाइल्ड को सीजर और अनकॉन्शियस हो सकता है। डेथ को प्रिवेंट करने के लिए 10% ग्लूकोज एडमिनिस्टर करें। जब ग्लूकोज की कमी हो जाती है तो उसे बोलते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। अगर चाइल्ड के अंदर ग्लूकोज की कमी है तो उसमें सीजर देखने को मिल सकता है और पेशेंट अनकॉन्शियस भी हो सकता है। और जो पेशेंट की डेथ है उसको प्रिवेंट करना है 10% ग्लूकोज एडमिनिस्टर करके। हाइपोथर्मिया, अंडर 1 ईयर ऑफ एज के चाइल्ड को सबक्यूटेनियस फैट के लॉस से इन्फेंट को हाइपोथर्मिया होता है। इसमें क्या है, 1 ईयर ऑफ एज से जो कम बच्चे होते हैं, 1 साल से कम उम्र के बच्चे के अंदर सबक्यूटेनियस फैट लॉस हो जाता है तो उससे होता है उसे हाइपोथर्मिया। प्रिवेंशन, कंगारू मदर केयर शुड बी प्रोवाइडेड। इसमें क्या करना है, कंगारू मदर केयर प्रोवाइड करनी है जिससे हाइपोथर्मिया को प्रिवेंट किया जा सके। इन्फेक्शन, एंटीबायोटिक शुड बी एडमिनिस्टर ऑफ द चाइल्ड। इसमें क्या करना है, एंटीबायोटिक आपको प्रोवाइड करनी है उस पेशेंट के लिए जिससे इन्फेक्शन को कंट्रोल किया जा सके। इलेक्ट्रोलाइट डिस्टरबेंस, इसमें इलेक्ट्रोलाइट डिस्टरबेंस है और PEM के अंदर सीवियर इलेक्ट्रोलाइट्स डिस्टरबेंस डेवलप होता है। इसके अंदर क्या होगा, जो PEM के अंदर सीवियर इलेक्ट्रोलाइट्स डिस्टरबेंस डेवलप हो जाता है। हाइपरनेट्रेमिया, लेस सोडियम इनटेक। इसमें क्या करना, अगर हाइपरनेट्रेमिया है, सोडियम की मात्रा बॉडी के अंदर ज़्यादा है तो सोडियम बहुत कम देना है। हाइपोकैलेमिया, पोटेशियम सप्लीमेंट्री। अगर हाइपोकैलेमिया है पेशेंट के अंदर, जिसे पोटेशियम कम हो गया है, तो आपको पोटेशियम सप्लीमेंट्री देनी होगी।
हाइपोकैल्सेमिया, कैल्शियम सप्लीमेंट, कैल्शियम की कमी हुई है तो पेशेंट को आपको कैल्शियम देना होगा सप्लीमेंट्री में। डिहाइड्रेशन, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। डीएनएस, आपको डीएनएस देनी है, डी 5% देनी है, शुड बी एडमिनिस्टर ऑफ द पेशेंट। पेशेंट के लिए आपको ORS देना है, D5 DNS, ये आपको सभी एडमिनिस्टर करनी होंगी। प्रिवेंशन ऑफ माल न्यूट्रिशन, 6 मंथ तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कराना, जो भी चाइल्ड है उसको 6 मंथ तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कराना है। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का मतलब होता है खाली ब्रेस्ट फीडिंग ही करानी है, उसके अलावा आपको बच्चे को कुछ नहीं देना है। वीनिंग को 6 मंथ में स्टार्ट करें, जो आपको बच्चे का दूध छुड़ाना है उसे 6 मंथ में स्टार्ट करें, 6 मंथ के बाद स्टार्ट करें। चिल्ड्रन के लिए मिल्क, एग, मीट, फूड आइटम दें। जो चिल्ड्रन है उसको क्या क्या देना है, मिल्क देना है, एग देने हैं, मीट और फूड वाले आइटम देने हैं। इम्यूनाइजेशन प्रॉपर कराएं, जो भी आपका चिल्ड्रन है उसका जो इम्यूनाइजेशन है वो प्रॉपर कराना है आपको। बर्थ स्पेसिंग फॉलो करें, आपको क्या करना होगा, बर्थ स्पेसिंग फॉलो करना होगा। जैसे अब अगर किसी चाइल्ड के बर्थ है तो उसके 3 साल बाद। माल न्यूट्रिशन को अर्ली डिटेक्ट करें, जो भी माल न्यूट्रिशन हुआ है उसे अर्ली सिम्टम्स में ही या अर्ली टाइम में ही डिटेक्ट करना है। ग्रोथ मॉनिटर करें, जो चिल्ड्रन की ग्रोथ है उसको मॉनिटर करें बार बार। फैमिली प्लानिंग सर्विस, और फैमिली प्लानिंग सर्विस प्रोवाइड करनी है, जो भी कोई फैमिली है उसके अंदर फैमिली सर्विस प्रोवाइड करनी हुई है आपके द्वारा। इनकम जनरेशन सर्विस, इसमें क्या होगा, जो आपकी इनकम है उसको आप जनरेट कैसे कैसे कर सकते हैं, प्रमोट कैसे कर सकते हैं। एजुकेशन को प्रमोट करें, जो भी एजुकेशन है उसको प्रमोट करना है, उनको एजुकेशन देनी है पेशेंट को। न्यूट्रिशन की एजुकेशन प्रोवाइड करें, जो भी आपका खान पीन है उससे रिलेटेड पेशेंट को एजुकेशन देनी है कि आपके लिए क्या बेटर है क्या नहीं। न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट चिल्ड्रन को प्रोवाइड करें, जो भी न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्री हैं उनको चिल्ड्रन को प्रोवाइड करनी है। प्रॉपर आयोडीन प्रोवाइड करें, जो भी आयोडीन जितनी अमाउंट देनी चाहिए वो प्रॉपर अमाउंट में आयोडीन देनी है। रिहैबिलिटेशन सर्विस, और पेशेंट पहले जैसा था उसी स्थिति में आने के लिए उन्हें रिहैबिलिटेशन सर्विस देनी होगी। तो ये थी आज की वीडियो हमारी प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन के ऊपर। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। अगर आपको फिर भी इसके अंदर कुछ डाउट होता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।